कैसे दो जापानीज यंगस्टर मिलके एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप को एक बहुत बड़ा ग्लोबल ब्रांड बना लेते हैं, चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं। सोनी एक ग्लोबल लीडर है इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक टेलीविजन, डिजिटल कैमरा, स्मार्टफोन्स एंड हियरेबल्स। सोनी अपने पॉपुलर प्ले स्टेशन लाइन ऑफ होम वीडियो गेम कंसोल्स के लिए भी जाना जाता है। सोनी कोर वैल्यूज इंक्लूडेड इनोवेशन, क्वालिटी, डिजाइन एंड रिलायबिलिटी। सोनी की हर एक प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, एडवर्टाइजिंग कैंपेन एंड कस्टमर इंटरेक्शन एंड कोलाबोरेशन के ऊपर यही सारे वैल्यूज सोनी की बहुत इन्फ्लुएंस डालता है। दिस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ऑल्सो नोन फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स सच एज TR-55, द होम वीडियो टेप रिकॉर्डर CV-2000, द पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर वॉकमैन एंड द कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर CDP-101। सोनी की शुरुआत तकरीबन 77 साल पहले 7 मई 1946 को हुई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू बाय टू जापानीज यंग मैन मासारू इबुका एंड आकियो मोरिता। सोनी की जो फर्स्ट फाउंडर है मासारू इबुका, उनका जन्म हुआ था साल 1908 में ऑन अप्रैल एज द फर्स्ट सन ऑफ तासाकु इबुका, जो कि एक आर्किटेक्चुरल टेक्नोलॉजिस्ट थे जापान के। बट दुख की बात ये है, जब जैसे ही वो 2 साल के हुए, 2 साल के बाद उनके फादर की मृत्यु हो गई एंड वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने लगे। फिर वो आने वाले टाइम में कोबे में शिफ्ट हो गए जैसे ही उनकी माता जी ने दूसरी शादी कर ली। बाद में उन्होंने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया एट होक्यो प्रीफेक्चुअल फर्स्ट कोबे बॉय स्कूल, जो कि अभी जाना जाता है होक्यो प्रीफेक्चुअल कोबे हाई स्कूल, एंड वो अपने ये सक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थे। बाद में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया साल 1933 में फ्रॉम वेसेडा यूनिवर्सिटी। उसके बाद उन्होंने काम करना स्टार्ट किया एक फोटो केमिकल लेबोरेटोरी, एक कंपनी जो कि मूवीज एंड फिल्म्स बनाती थी। उसके बाद उन्होंने अपना योगदान दिया इंपीरियल जापानीज नेवी में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू, वेयर ही वॉज ए मेंबर ऑफ द इंपीरियल नेवी वॉर टाइम रिसर्च कमिटी। देन उसके बाद साल 1945 में सितंबर के महीने में उन्होंने उस कंपनी को एंड नेवी को छोड़ दिया एंड एक रेडियो रिपेयरिंग शॉप स्टार्ट किया इन बॉर्न आउट एरिया ऑफ सिरोकिया डिपार्टमेंट इन निहोनबाशी टोक्यो। सोनी की जो सेकेंड फाउंडर है आकियो मोरिता, उनका जन्म हुआ था साल 1981 ऑन 26 जनवरी इन नाकोया आइची ऑफ जापान। एंड मोरिता का जो फैमिली था वो ज़्यादातर तो सेक मिसो सोया सॉस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व था इन द विलेज ऑफ कोसुगाया, करंटली ए पार्ट ऑफ तोकिनामे सिटी ऑफ जापान। आकियो मोरिता अपने फैमिली में चारों भाई बहन से सबसे बड़े थे। सो उनके जो फादर है क्यूजाइमन, उन्होंने उसको ऐसे ट्रेन किया था ताकि वो आने वाले टाइम में जाके अपने फैमिली बिजनेस को संभाले। बट आकियो मोरिता का इंटरेस्ट कहीं और ही था। उनका इंटरेस्ट था इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। देन लेटर वो इन 1944 उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया फ्रॉम ओसाका इंपीरियल यूनिवर्सिटी विथ ए डिग्री इन फिजिक्स। एंड अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इंपीरियल जापानीज नेवी को ज्वाइन किया एज अ सब लेफ्टिनेंट ऑफिसर एंड वर्ल्ड वॉर टू में अपना योगदान दिया था उन्होंने। एंड उनके सर्विस के टाइम ही उन्होंने अपना फ्यूचर बिजनेस पार्टनर से मिले मासारू इबुका से एट ए स्टडी ग्रुप फॉर डेवलपिंग स्मार्ट वेपन्स इन नेवीज वॉर टाइम रिसर्च कमिटी एंड दे बिकम क्लोज फ्रेंड्स। व्हेन आकियो मोरिता सा ए न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट इबुकास न्यू वेंचर, आफ्टर सम करेस्पोंडेंस ही डिसाइडेड टू ज्वाइन इबुका इन टोक्यो। उसके बाद उन्होंने आकियो मोरिता के फादर से फंडिंग ली एंड उन्होंने स्टार्ट किया टोक्यो टूरिसिन कोक्यो, जिसका इंग्लिश मीनिंग है टोक्यो टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ऑन 7 May 1946 विद अबाउट 20 एम्प्लॉयज एंड द कैपिटल ऑफ 190,000 येन। अभी क्यों टोक्यो टूरिसिन कोक्यो का नाम सोनी है? देखो, देर आर सेवरल रीजन्स जिसकी वजह से इस कंपनी, इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम अभी सोनी है। सो सबसे पहला जो रीज़न है, इसके जो फाउंडर है मासारू इबुका एंड आकियो मोरिता, उन्होंने रियलाइज़ किया दैट अगर हमें इस बिजनेस में
ज़्यादा सक्सेस अचीव करनी है या फिर ग्लोबल मार्केट में हमारा बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो हमें एक छोटा लाइक शॉर्ट एंड इजी नेम के साथ अपने प्रोडक्ट को लेवलिंग करना पड़ेगा। बट जब उन्होंने स्टार्टिंग में देखा कि लाइक एक शॉर्ट नेम ढूंढ रहे थे, उन्होंने पहले कंसिडर किया दैट हमारा जो पहला नेम है टोक्यो सुसिन कोक्यो, वही यूज़ करेंगे STTK। बट उन्होंने ये नेम क्यों यूज़ नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर एक रेलवे कंपनी है जिसका नाम है टोक्यो क्यूको, वाज आल्सो नोन एज STTK। जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है ओकेशनली अपना एक्रोनॉमी नेम यूज़ करता था एस तोस्तुको इन जापान। एक्रोनॉमी नेम क्या होता है? एक्रोनॉमी एक शॉर्ट वर्ड होता है, शॉर्ट नेम होता है, जो कि एक बहुत बड़े नेम के कुछ पार्ट्स को लेके बनाया जाता है, लाइक तो फ्रॉम टोक्यो, स्तू फ्रॉम सुसिन एंड को फ्रॉम कोग्यो, टोक्यो तुसिन कोग्यो एस तोस्तुको। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द यूनाइटेड स्टेट्स मासारू इबुका ने डिस्कवर किया दैट वहाँ के जो लोग हैं वो ट्रबल फेस कर रहे हैं ये नेम को प्रोनाउंस करने में, लाइक दोस्तों को नेम को प्रोनाउंस करने में। सो उन्होंने ये नेम को यूज़ करने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। एंड जो दूसरा अर्ली नेम था एज टोक्यो टेलीटेक, जब आकियो मोरिता ने फाउंड किया दैट ऑल्सो ए अमेरिकन कंपनी यूज टेलीटेक नेम एज देयर ब्रांड नेम, सो ये नेम भी उन्होंने यूज़ करना ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये नेम कुछ टाइम के लिए भी वो यूज़ कर रहे थे अपनी कंपनी में। उसके बाद उन्होंने जो नेम यूज़ किया सोनी, वो चूज़ किया गया था एज अ ब्रांड नेम एज अ मिक्स ऑफ टू वर्ड्स, वन वाज द लैटिन वर्ड सोनस व्हिच इज द रूट ऑफ सोनिक एंड साउंड एंड द अदर वाज इज सोनी, ए कॉमन स्लैंग टर्म यूज इन 1950s अमेरिका to call a young boy. In 1950s Japan, Sony boys was a loan word in Japan which can noted as smart and presentable young man, which Akio Morita and Masaru Ibuka considered themselves to be. So the first Sony branded product, the TR-55, launched in 1955, but the company changed its name to Sony in January 1955. सोनी का जो पहला प्रोडक्ट था वो एक इलेक्ट्रॉनिक राइस कुकर था, बट ये उनके लिए एक फेलियर साबित हुआ, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक राइस कुकर था वो बनाया गया था मेयरली इंटरलॉकिंग एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड्स व्हिच वेयर कनेक्टेड टू द बॉटम ऑफ ए वुडन टॉप, इट वाज ए प्रिमिटिव प्रोडक्ट। सो इसका जो रिजल्ट था वो हैविली डिपेंड करता था कि किस प्रकार का चावल आप यूज़ कर रहे हो कुकिंग करने में एंड कितना परिमाण का पानी आप यूज़ कर रहे हो इसको कुकिंग करने में। सो टेस्टी राइस तो बहुत दूर की बात था, बिकॉज ये जो कुकर था वो कभी कभी अंडर कुक्ड या फिर ओवर कुक्ड राइस बनाता था, तो ये एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल फेलियर था उन लोगों के लिए। दिस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ऑल्सो नोन फॉर क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स सच एज द ट्रांजिस्टर रेडियो TR-55, द होम वीडियो टेप रिकॉर्डर CB-2000, द पोर्टेबल ऑडियो प्लेयर वॉकमैन एंड TVs लाइक सोनी ब्राविया एंड द कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर CDP-101, एम्बार्क्ड ऑन डाइवर्स बिजनेस वेंचर। 1988 सोनी ने एक्वायर किया CBS रिकॉर्ड को, एंड साथ ही साथ इन 1989 इसने कोलंबिया पिक्चर्स को भी एक्वायर किया था, एंड द कंपनी ऑल्सो इंट्रोड्यूस द होम वीडियो गेम कंसोल प्लेस्टेशन। सो ये जो कंपनी था ऑल्सो प्रोडक्ट्स बनाता था लाइक कैमरास, जो कि लाइक साइबर शॉट डिजिटल एंड अदर कैमरास, एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिल्म, म्यूजिक, रोबोट एंड सेमीकंडक्टर्स, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, टीवी शोज, वीडियो गेम्स एंड प्लेस्टेशन। सिंस द लेट 1990s, सोनी हैज न्यूमरियस कंज्यूमर रोबोट्स इंक्लूडिंग डॉग शेप्ड रोबोट कॉल्ड AIBU, ए म्यूजिक प्लेइंग रोबोट कॉल्ड रोली एंड ए ह्यूमनॉइड रोबोट कॉल्ड QRIO। सो सोनी का जो प्लेस्टेशन 2 था इज द बेस्ट सेलिंग वीडियो गेम कंसोल था ऑल ऑफ द टाइम। इन 1955 सोनी वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रांजिस्टर टेलीविजन प्रोड्यूस किया नेम्ड TV-8301, एंड दिस कंपनी ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस लाइक एडवर्टाइजिंग एजेंसी, बैंकिंग,
क्रेडिट फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड नेटवर्किंग सर्विस ऑल्सो। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने जाना कि सोनी कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था एंड कैसे स्टार्ट हुआ था सोनी, एंड सोनी का नाम अभी सोनी क्यों है, इसका नाम सोनी क्यों है, एंड प्रोडक्ट्स इनोवेशन एंड प्रोडक्ट्स के बारे में हमने जाना। सो गाइस, ये तो था वीडियो का पार्ट वन। पार्ट टू में हम जानने वाले हैं कि सोनी का ग्लोबलाइजेशन कैसे हुआ, सोनी कौन कौन से फॉर्मेट्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज़ करता था अपने प्रोडक्ट्स में एंड अपने बिजनेस में, कौन कौन से बिजनेस यूनिट्स है सोनी के एंड किस किस प्रकार का क्रिटिसिज्म इसको फेस करना पड़ा था। सो गाइस, पार्ट टू के लिए आप वेट करिए, जल्द ही आएगा। एंड इस वीडियो से आपको क्या क्या सीखने को मिला आप कॉमेंट कर सकते हैं, एंड आप नेक्स्ट टॉपिक कौन से वीडियो के ऊपर चाहते हो वो भी आप कॉमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।